चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है विश्व की प्राचीनतम गुफा पेंटिंग। यह विषय चर्चा में इसलिए है कि इंडोनेशिया द्वीप में एक गुफा के भीतर 45,500 साल पहले की बनी पेंटिंग मिली है। इसे दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र माना जा रहा है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में जंगली सुअर की पेंटिंग पाई गई है। ये द्वीप लगभग 1,74,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित इस द्वीप के बारे में पुरातत्वविदों का मानना रहा है कि यहाँ काफी समय से इंसानों की बसावट रही होगी। गुफा में भित्ति चित्रों के अलावा ऐसी कई बातें देखी गई हैं जिनका जिक्र शोधकर्ताओं ने साइंस एडवांसेस नाम की पत्रिका में किया है। आइए अब जानते हैं कि गुफा पेंटिंग का महत्व क्या है। सुलावेसी की लैंग टेंडोगगने गुफा में मिली पेंटिंग दुनिया में गुफा कलाकृति का सबसे पुराना नमूना है। घाटी में स्थित ये गुफा बाहर से चूना पत्थर की चट्टानों से ढककर बंद हो गई है। ये कुछ इस तरह से छिपी हुई थी कि खुद घाटी में रहने वाले बगिस नाम के स्थानीय नागरिकों ने दावा किया कि वे पहले कभी इस गुफा तक नहीं पहुंच सके थे। गुफा की पथरीली दीवार पर लाल गेरू से सुअर उकेरा गया था। सुअर के बालों की एक छोटी सी कलगी दिखती है और आंखों के आसपास सींग की तरह उभरे हुए मसे की तरह आकृति दिखती है। चेहरे के भाव ऐसे हैं जैसे सुअर दो सुअरों के बीच लड़ाई देख रहा हो या किसी चीज का अवलोकन कर रहा हो। जंगली सुअर दसियों हजारों सालों से इंसानों का पसंदीदा भोजन रहा है। इसका इस्तेमाल वे कई दूसरे तरीके से भी करते रहे हैं, जैसे ओढ़ने के लिए। यही वो जानवर है जिसकी सबसे ज्यादा कलाकृतियां अब तक दिखती आई हैं। आहार के अलावा ये सुअर एक और तरह से पाषाण काल में इंसानों के काम आते रहे हैं, जैसे उनकी रचनात्मकता को दिशा देने में। हजारों साल पहले ही जंगली सुअरों की यह प्रजाति धरती से पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी प्रेस ने साल 2018 में इसी द्वीप का जिक्र करते हुए एक किताब द आर्कोलॉजी ऑफ सुलावेसी प्रकाशित की थी। इसमें हिमयुग के दौरान दुनिया के सबसे पुराने गुफा चित्रों की बात की गई थी। यहाँ पर होमिनिन्स का भी कई प्रमाण मिला है, अर्थात वो श्रेणी जिसमें ना केवल हमारी तरह के पूरी तरह से विकसित इंसान आते हैं, बल्कि हमसे ठीक पहले के पूर्वज और पूरी तरह से गायब हो चुके मानवों का भी प्रमाण मिलता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आधुनिक मानव आज से 70 से 1 लाख साल पहले अफ्रीका से माइग्रेट होने लगे थे। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि इंडोनेशियाई द्वीप में इंसान कब पहुंचे और कब कॉलोनी की तरह बसने लगे। इससे पहले साल 2019 में 44,000 साल पहले की पेंटिंग खोज निकाली गई थी। सुअर और भैंस के शिकार की ये पेंटिंग भी सुलावेसी द्वीप में ही खोजी गई और खोजने वाली टीम भी यही थी जिसने नई पेंटिंग खोज निकाली है। इससे ठीक पहले यूरोप में एक गुफा चित्र मिला था जिसकी आयु 14,000 से 21,000 साल पुरानी मानी जा रही है। पुरातत्वविदों ने इस पेंटिंग की तारीख कैसे तय की? पत्थरों पर फीकी पड़ चुकी इन पेंटिंग्स की आयु ज्ञात करना कठिन कार्य था। रंगों की मदद से पेंटिंग कितनी पुरानी है ये समझने के लिए यू सीरीज आइसोटॉप एनालिसिस सबसे प्रचलित तरीका है। इसके तहत सतह पर प्राकृतिक रूप से जमा कैल्शियम कार्बोनेट की उम्र पता लगाई जाती है ताकि पेंटिंग का अंदाजा लग सके। सुअर की इस सबसे प्राचीन पेंटिंग के लिए भी यही तरीका अपनाया गया है। इस पेंटिंग के लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट जमा का उपयोग किया, जिसे गुफा पॉपकॉर्न के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सुअर के आंकड़ों में से एक के पीछे के पैर पर बना था। इसमें निकल कर आया कि पेंटिंग कम से कम 45,000 साल पुरानी है। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे प्राचीन पेंटिंग निम्न में से किस देश में पाई गई है? विकल्प ए मलेशिया, विकल्प बी भारत, विकल्प सी इंडोनेशिया,
विकल्प डी जापान। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।